सीट में लोकसभा प्रत्याशी हैं बृज मोहन अग्रवाल जी, और मैं आपको बता दूं कि जो 17,500 जो लगभग केंद्र बनाए गए हैं मतदान करने के लिए, विभिन्न तैयारियों के साथ जो है मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ है लोकसभा के प्रत्याशी बृज मोहन अग्रवाल के भाई है हमारे पास, किस प्रकार की तैयारियां हैं? जबरदस्त तैयारियां हैं, और हम जो देख रहे हैं जितनी हमने तैयारियां की थी उसका प्रतिफल भी देख रहे हैं। आज बूथों में सवेरे से लाइन लगी हुई है, 7 बजे से हम लोग निकले हुए हैं, हर बूथ में लाइन लगी हुई है, मतदाता बहुत जागरूक हो गया और लाइन लग करके मतदाता वोट दे रहा है। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सीट आएगी? पूरी 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में आ रही है, और प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में मोदी जी की सरकार बन रही है, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी जी की गारंटी को बहुत रूप से पूरा किया है। महिलाओं के 3 महीने का खाते में पैसा चला गया है, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, और बृजमोहन भैया तो लगातार 40-45 वर्षों से जनता के बीच काम कर रहे हैं, तो जनता का जबरदस्त आशीर्वाद बृजमोहन भैया के साथ है। जी, आप जो है बृजमोहन जी के भाई है, और वो हमेशा विधानसभा की सीट से चुनाव लड़े, इस बार पहली बार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौतियाँ नहीं होंगी क्योंकि सांसद बनेंगे, क्या कहेंगे आप? बृजमोहन भैया को अनुभव है 40 सालों का, इसलिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां भैया के सामने नहीं है, उनको काम करने का बहुत अनुभव है, जनता के बीच रहने का अनुभव, वो जन नेता है और हर आदमी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। बस ये जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन बृजमोहन भैया उसे निभाने में तैयार है। कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि 11 की 11 सीट लेकर के आएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस तो लफाजी कर रही है, वहाँ लबरे लोग हैं और लबारी कर रही है। आज जो है आप मतदान केंद्र मतदान देने पहुंचे हैं, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर क्या कहें? बहुत अच्छी प्रशासन की तैयारियां हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से शासन ने बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं कलेक्टर महोदय को और चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था चुनाव जगह पर देखने को मिल रही है, बूथ लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, छाछ की व्यवस्था है, और मतदान कर्मी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीनता से लोगों से बात कर, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी, हमारे साथ थे लोकसभा प्रत्याशी के भाई, अभी हम किसी और से पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यू मतदान हो रहे हैं। भैया, आपने मतदान किया? जी बिल्कुल, बढ़िया व्यवस्था है एकदम। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट आएगी? 11 की 11 सीट भाजपा के लिए आएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब जैसे रायपुर में ही देखेंगे आप, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो भाजपा सरकार ने। हमारे साथ मौजूद है लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको? पूरी 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे। पहली बार जो है आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौतियां किस प्रकार रहेंगी? बहुत अच्छा चुनाव रहा है, अच्छा अनुभव रहा है, लोगों को जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद और प्यार मिला है वो मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा की जनता एक इतिहास रचेगी। बीजेपी जो है 400 पार बताती है, क्या लगता है आपको? 400 पार जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा। और आपका जो मानना है कि 6 लाख प्लस वोट आएगा, उसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा की जनता एक इतिहास रचेगी। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी थे, जिन्होंने जो है अपने मत को मत देने आए थे दुर्गा कॉलेज में, और कड़ी मेहनत की है, जो 6 लाख प्लस मतदान देने की बात करते हैं, यहाँ के और कुछ लोगों से जानेंगे। भैया, जो आप जो है आपने मत दिया? अभी नहीं, बस जा रहे, दे रहे, हम भी जा रहे आए हैं जी, और यहाँ के लोगों से जानेंगे। मैडम, आप जो है मत देने आई हैं, क्या कहेंगे? इधर आ जाइए, आप जो है अभी मत देने आई हुई हैं, क्या कहेंगे उसको? क्या आप जो है अपना मत देने आए हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? ये एक देश की जवाबदारी है हमारे लिए, इसलिए वोट देने आए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, अब हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा दिए, जिम्मेदारी निभा दी, अब बाकी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, और जो मूल समस्याएं हैं वो तो है ही है। चलिए, अब कुछ थोड़ा और आगे चलते हैं, और कैमरामैन को बोलेंगे कि वो आगे देखिए, जो काफी भीड़ है और लोग जो है यहाँ पे मत का प्रयोग करने के लिए मत देने आए हैं। सर, आप मत देने आ रहे हैं, देने आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश को गौरव हो रहा है आज कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए वोट दे रहे हैं जिसकी सरकार आना निश्चित है, और देश गौरवित है रामलला की स्थापना के बाद से, और देश अपेक्षित है कि बहुत जल्दी काशी भी हमारे पास आएगा, और हमारे कृष्ण भगवान भी जल्दी अपनी जगह पे बैठेंगे। मतदान में जो है मत देने आए हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या सुविधा मिली आपको? पहले से अपेक्षा सुविधाएं बढ़ रही है, इसमें दो मत नहीं है, लाइन अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, शिष्टाचार है, पहले से अच्छी व्यवस्था हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा यूनुस कुरैशी। कहाँ से हैं आप? मैं पार्टी का कार्यकर्ता। आपने मत दे दिया? नहीं, अभी दूंगा, जाने दीजिए। भैया, कुछ लोगों से और जाने हैं, क्योंकि इन्होंने जो है
मत का प्रयोग कर रहे हैं लोग जो है, लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में जो है अपने अपने तरीके से जो लोग हैं मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से और मिलाते हैं। भैया आपने मत दिया? मैं अभी बस वोट देने वाला हूँ और सबसे अनुरोध करूंगा कि सब अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ आएं और वोट दें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। इस वक्त अभी हम मौजूद है रायपुर के दुर्गा कॉलेज में, जहां लोग हैं अपना मत का प्रयोग करने, मतदान देने आ रहे हैं। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ सोनाली जायसवाल की रिपोर्ट।